सुनिए जो एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने दावा किया है। और उस विक्ट्री से दूसरी जीत भी अब जल्दी होगी, ईवीएम भी हटेगा और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। और एक और बड़ा सीरियस मैटर, नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले एक सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने एक सबसे बड़ी खुशखबरी जग जाहिर कर दी है। एडवोकेट महमूद प्राचा व उनके अन्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील लगातार ईवीएम बंद कराने के लिए संघर्षरत हैं, लगातार वो आंदोलित हैं और वो चाहते हैं कि लोकसभा आम चुनाव जो कि 2024 में होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो, ये वो चाहते हैं। और उन सभी वकीलों को एक सबसे बड़ी और एक पहली जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने खुद ये बड़ी खुशखबरी जाहिर की। आके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी ने क्या कुछ देश की आम जनता से कहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील ईवीएम बंद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे और उस वो लड़ाई में वो कहां तक सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अब इस वर्तमान के समय में, वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पूरी भारतीय जनता पार्टी खुल चुकी है और कहीं ना कहीं ये उन्हीं वकीलों की पहली और बड़ी जीत है और वो ये मान रहे हैं कि हमने ये बड़ी जीत हासिल कर ली है। और वो अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ वकील हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हम ईवीएम को बंद भी करा देंगे और बैलेट पेपर से लोकसभा आम चुनाव 2024 का जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा। ये दावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील खुद महमूद प्राचा जी कर रहे हैं। और फिलहाल ज़्यादा बातचीत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को क्या झटका लगा है लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले, क्योंकि 2017-2018 में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक का करार दे दिया है और इस योजना से सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता था वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलता था और इसमें जो चंदा मिलता था वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। 6500 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दिया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे उनको ये एक बड़ी जीत उनके लिए साबित हो सकती है। फिलहाल वो भी आप सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील किस तरीके से दावा कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम ने जो संदेश दिया है देश की जनता तक पहुंचाने के लिए वो संदेश देश की जनता तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वकील हैं वो लगातार ईवीएम बंद के खिलाफ संघर्षित हैं और उनको बड़ी धमकी मिल रही है। क्या धमकी मिल रही है वो राजेंद्र पाल गौतम जी बताएंगे। सबसे पहले वो सुनिए जो एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने दावा किया है। विक्ट्री से दूसरी जीत भी अब जल्दी होगी, ईवीएम भी हटेगा और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। और एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने साफ कहा है कि जो पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है चुनावी बॉन्ड योजना को बंद करा के, ये हमारी पहली जीत है, दूसरी जीत जल्दी होगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम भी बंद होगी। अब आप राजेंद्र पाल गौतम जी को सुनिए जो कि बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों को किस तरीके से लगातार धमकी दी जा रही है, जो ईवीएम के खिलाफ लगातार संघर्षित हैं उनको किस तरीके से धमकी दी जा रही है वो आप राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा सुनिए। और बड़ा सीरियस मैटर है जो आज आप सबके सामने शेयर करना है। हमें बड़े विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारी एक टीम जो पूरे देश के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने का एक आंदोलन चला रही है और इसको हमने देश के कोने कोने में जाकर इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ ऐसे गुंडा तत्व हैं जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए ईवीएम से ही चुनाव हो इसके लिए बैलेट पेपर वापस लाने वाली आवाज को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि इस आवाज में किसान आंदोलन भी जुड़ गए, बैलेट पेपर वापस लाकर ईवीएम हटाने की डिमांड में सारे देश का माइनॉरिटी जुड़ गया, सारे देश का दलित जुड़ गया, सारे देश का आदिवासी जुड़ गया, सारे देश के पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ गए और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग जुड़ गए। तो इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए हमें इस तरह का विश्वास सूत्रों से पता चला है
कि इस मोमेंट में हमारे दो साथी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी, इन दोनों की वो किसी न किसी रूप में कहीं भी पूरे देश के किसी कोने में हत्या करवा सकते हैं। और हमें जो इनपुट मिले हैं वो इतने सीरियस हैं कि वो महमूद प्राचा की हत्या किसी एससी या ओबीसी से करा सकते हैं और भानु प्रताप सिंह जी की हत्या किसी माइनॉरिटी से करा सकते हैं, ताकि ये जो एकीकरण बना है दलित पिछड़ा आदिवासी का माइनॉरिटीज का, ये जो सामाजिक एकता बनी है ये सामाजिक एकता टूट जाए और फिर ये पूरी तरह से चुनाव पोलराइज हो जाए, तो ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके इनपुट्स हमारे साथियों को मिले हैं। और वो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि कम से कम आपके माध्यम से तमाम देशवासी को पता लगना चाहिए, ताकि देशवासी किसी भी सूरत में अगर हमारी हत्या हो जाए, हमारी साथियों की हत्या हो जाए, उसके बावजूद ये जो सामाजिक गठबंधन बनाए, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हमने तैयार किया है, जो दलित पिछड़ा आदिवासी और अल्पसंख्यक को सबको एकजुट करके एक भारत को मजबूत करने का जो हमने रास्ता चुना, वो फिर से टूटने के कगार पे ना आ जाए किसी भी सूरत में, वो टूटने नहीं देना है। और इतना एकजुटता लेके आइए ताकि हम जो लोग की हत्या करने की जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी पता लग जाए, देश के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों को, देश के गद्दारों को देश के लोग छोड़ेंगे नहीं, जो लोग इस सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए हमारे साथियों की हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? ये कुछ ऐसे चीजें हम लोग के सूचना में आई है, वो इतना सीक्रेट मैटर है कि हम ये खुलासा नहीं कर सकते कि वो बातें कहां से हमें पता चली है, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है, किसी की जान का सवाल है। जो पांच लोगों का जो कोऑर्डिनेशन टीम इस मूवमेंट को लेकर चल रही है, इन पांचों लोगों की ही जान को खतरा है, लेकिन मेन जो हमारे पास इनपुट आए वो किसी तरह हिंदू और दलित, हिंदू और जो मुस्लिम और दलित के बीच में किस तरह इनमें फाट डाली जाए, किस तरह एक दूसरे पे हमला करवा के इनके बीच में एक दरार पैदा कर दी जाए, ताकि पूरे देश के अंदर चुनाव को पोलराइज कराया जा सके, इसके लिए सारी साजिश रची गई है। अभी हमारे पास सूचना आई है, अभी हम आप लोग के साथ में साझा कर रहे हैं, इसके बाद जो भी लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लीगल बैकग्राउंड से, मैं खुद एडवोकेट हूँ, महमूद प्राचा खुद एडवोकेट है, भानु प्रताप सिंह खुद एडवोकेट है, तो हमें लीगल क्या क्या रेमेडीज हमें अवेलेबल हैं, वो रेमेडीज तो हम लोग एडॉप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज आप सबके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश में एकजुटता चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि या हिंदू मुस्लिम हो या दलित मुस्लिम के बीच में बिखराव आए या किसी प्रकार का जाति धर्म के नाम पे देश में उन्माद पैदा हो, जो नहीं चाहते हैं, पहले हम उन लोगों को चाहते हैं कि उन लोगों को पता लग जाए पूरा देश एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट हो। राजेंद्र पाल गौतम को और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी को, एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने बड़ी खुशखबरी दी। इसी बीच राजेंद्र पाल गौतम जी ने साफ बताया कि हम जो जंग लड़ रहे हैं उस जंग में कितनी हमें कठिनाइयां मिल रही हैं और किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम पर आप क्या सोच समझ पा रहे हो, आप अपनी राय कमेंट में देना। धन्यवाद।